हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर कमेंट करके इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रहे थे, तो हम लोग आज इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग सब कुछ समझेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग हमारा सेटअप क्या रहने वाला है, स्टॉक सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, ये सब भी समझेंगे। साथ ही साथ एक स्क्रीनर के बारे में जानेंगे, जहां से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। ये जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, यह बहुत ही शानदार, सिंपल और स्ट्रांग स्ट्रेटेजी है, जिसका विनिंग रेट मोर देन 80% है। जी हाँ, आपने सही सुना, विनिंग रेट मोर देन 80% है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का स्किप ना करें और अच्छे से समझें, क्योंकि यदि आप नहीं समझेंगे तो वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग को तीन तरह से किया जा सकता है, जो कि प्राइस एक्शन बेस हो सकता है, साइकोलॉजी बेस हो सकता है और न्यूज बेस हो सकता है। हालांकि यह तीनों तरह से स्विंग ट्रेडिंग भी लोग करते हैं और साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, क्योंकि यही तीन तरीका है जिससे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप है, वह प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी दोनों का मिक्सर है। ये दोनों के मिक्सर पर ही ये सेटअप तैयार होता है और उसी सेटअप पर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं। इस सेटअप में स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो बहुत ही आसान तरीका है स्टॉक को सेलेक्ट करने का, क्योंकि आप खुद ही सोचिए और दिमाग लगाइए कि कौन सा स्टॉक है जो भाग सकता है। तो देखिए, ज़्यादातर स्टॉक वही भागेंगे जो अप ट्रेंड में चल रहे होंगे और ऑल टाइम हाई पे चल रहे होंगे स्टॉक। जाहिर सी बात है कि जो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा होगा वह अप ट्रेंड में ही होगा, तो आपको एकदम बुलिश स्टॉक वो मिल जाएगा। अब वो बुलिश स्टॉक होगा तो आप लोग सोचेंगे कि सर वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका होगा, तो हम लोग वैसे स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पूरा स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखिए और कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करना है और कौन से स्टॉक को सेलेक्ट करना है यह भी समझेंगे हम लोग, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ऑल टाइम हाई पे होते हुए भी स्टॉक ऑल टाइम हाई आपको दिखेगा नहीं। तो चलिए मैं आपको कुछ स्टॉक दिखाऊंगा, एग्जांपल के मदद से समझाऊंगा और चार्ट पे भी चलेंगे और चार्ट पे हम लोग समझेंगे कि कैसा स्टॉक को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद एंट्री कैसे बनाना है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखिए, आप पॉलिसी बाजार को देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक चल रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो कुछ आपको प्राइस एक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे भी चाहें तो वो प्राइस एक्शन मार्क कर सकते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे भी चाहें तो उस प्राइस एक्शन को मार्क कर सकते हैं, जो कि हमने कुछ इस तरह से मार्क किया है और उसके बाद ऊपर भी कंसोलिडेशन फेज के बाद अब यह स्टॉक रैली फेज में आ चुका है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को समझें तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा कि ये जो जोन है ये ब्रेकआउट वाला जोन है, ठीक है, ब्रेकआउट होता है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो चुका है। सही मायने में देखेंगे कि ये ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई खास रैली नहीं दिया है और इनिशियल स्टेज में ही ये चल रहा है। मतलब कि ये इनिशियल स्टेज में चल रहा है, चाहे तो हम लोग इस कैंडल पे भी इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते थे, लेकिन अब आप कल के लिए भी इसको आज कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका RSI देखेंगे तो 71 का चल रहा है और हमें वैसे ही स्टॉक को फाइंड आउट करना है जिसका RSI 65 से ऊपर चल रहा हो। RSI आपका 65 से ऊपर चल रहा हो और स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, तो देखिए ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और अभी तक कोई ज़बरदस्त तेजी नहीं आया है। तो अब इस स्टॉक में हम लोग एंट्री कैसे बनाएंगे वो भी बात करेंगे, उससे पहले एक दो और स्टॉक हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आप देख रहे हैं, स्टर्लिंग टूल्स को देख रहे हैं, जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर का है और हमारे स्ट्रेटेजी में यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर वाले ही स्टॉक को सेलेक्ट करना है। 2000 करोड़ से कम का जिसका मार्केट कैप है उसे हम लोग इंट्राडे के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब इस स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यह ऑल टाइम हाई पे यह स्टॉक चल रहा है और 2018 के बाद 17-18 के बाद अब इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ब्रेकआउट हो चुका है और उसके बाद दूसरा जो मंथली कैंडल है यह भी बुलिश कैंडल है, तो इसे हम कह सकते हैं कि अब यह अप ट्रेंड में ही आ चुका है और इसे अप ट्रेंड अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यह रियल में अप ट्रेंड में बदल चुका है यह स्टॉक, ठीक है। अब बात करें कि डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो देखिए, इसमें ब्रेकआउट भी हो चुका है, ब्रेकआउट भी हो चुका है और रैली फेज का भी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, जो कि हमें रैली फेज के ब्रेकआउट से मतलब नहीं है, जो कि अगर अप ट्रेंड में स्टॉक है तो हमें रैली फेज देखने की जरूरत नहीं है। यहां पे इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि यह रैली फेज का ब्रेकआउट नहीं है, यह अप ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं है, यह कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था स्टॉक, उसका ब्रेकआउट यहां पे हो रखा है, तो इसीलिए हम यह रैली फेज बोल रहे हैं, यानी कि अप ट्रेंड बोल रहे हैं, तो यानी अप ट्रेंड का भी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप समझेंगे तो ये अप ट्रेंड में क्लोज हो चुका है, क्योंकि आज संडे है तो यानी फ्राइडे के दिन ही ये क्लोज हो चुका है, तो ये कंफर्म बात है कि अब यह स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो इसी स्टॉक को हमें कंसीडर करना है कि जो अप ट्रेंड में हो और बुलिश कैंडल अभी अभी बनाया हो या फिर
छोटा से छोटा कैंडल बनाया हो, ठीक है, चाहे तो छोटा कैंडल हो या बुलिश कैंडल का फर्स्ट कैंडल हो, ठीक है, अगर बड़ा भी कैंडल है तो वो पहला कैंडल हो, या फिर अप ट्रेंड में छोटा कैंडल भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, तो ये और भी बेहतरीन बात हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम ऑल टाइम हाई का जो प्राइस है उसे हम लोग मार्क कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं ब्लैक लाइन से 640 रुपये का जो कि प्राइस आ रहा है, तो 640 रुपये का हमने मार्क कर लिया ऑल टाइम हाई। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि आप अलर्ट लगा लेंगे कि जैसे ही आपको 640 रुपये के ऊपर स्टॉक निकले तब आपको अलर्ट मिल जाए कि निकल चुका है इसके ऊपर। अब एंट्री कैसे बनाना है वह भी हम लोग समझते हैं। एंट्री समझने से पहले एक और स्टॉक आप देख लीजिए, जैसे ऑप्टिमस है, मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे काफी बढ़िया आप ट्रेंड में है, आपको लगेगा कि अब तो यहां से गिर जाएगा क्योंकि ये काफी ऊपर जा चुका है, एकदम खड़ा है तो यहां से गिर जाएगा, आप लोग यही सोचेंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आप मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके ये ऊपर गया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और भी आपको ज्यादा मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल रेजिस्टेंस का पता चलेगा, तो आप देख ही रहे होंगे। तो ऑप्टिमस आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ऐसे स्टॉक को और 100% हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टॉक में ही बहुत ज्यादा मूवमेंट मिलने वाला है, क्योंकि अब हम ऑल टाइम हाई मार्क करेंगे तो पता चलेगा ये ऑल टाइम हाई को टच तो किया है लेकिन ब्रेक नहीं किया है, और कहीं ना कहीं ये ऑल टाइम हाई पे ही है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे 2-4 दिन पहले का ये हाई है और उसके बाद 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जैसे ही ये ऊपर निकलेगा, ठीक है, 682-683 रुपये के ऊपर जैसे ही निकलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा तेज मूवमेंट मिलेगा और काफ़ी तेज रैली मिलेगा आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऐसे स्टॉक आपको 5% से लेकर 20% तक की तेजी आपको दिखाएगा, यानी कि 20% का सर्किट भी लगते हुए आपको मिलेगा, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग का जो सेटअप है इसमें मैं 2-3% का बात ही नहीं करता। आपको मंथ में 8-10 स्टॉक मिलेंगे, यानी 8-10 दिन ट्रेड मिलेंगे, चाहे एक दिन में 2 ट्रेड भी मिल सकते हैं, 3 ट्रेड भी मिल सकते हैं, या फिर नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर अपने शेयर मार्केट का 22 ट्रेडिंग सेशन होता है तो इसमें 10 दिन आपको पक्का मिलेगा और वो स्टॉक आपको 5-20% तक की रैली दिखाएगा, और आप देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री कैसे करना है। मैक्स हेल्थ केयर को देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये अप ट्रेंड में ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो देखिए आज इसमें काफ़ी बढ़िया तेज रैली मिला है, तो क्या इस स्टॉक को आप कल आइडेंटिफाई कर सकते थे कि नहीं? इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को आप कल भी आइडेंटिफाई कर सकते थे और इसको ऑल टाइम हाई मार्क करके आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते थे, और आज आप देखेंगे कि इसमें 8% से ज़्यादा की तेजी हुई है, और कल हमें 65% से ज़्यादा, RSI 65% से ज़्यादा हो उसी को कंसीडर करना था हम लोगों को। तो देखिए ऑल टाइम हाई भी चल रहा है और 65% से ज़्यादा भी RSI चल रहा है, क्योंकि इस कैंडल पे अगर आके आप मार्क करते हैं तो जैसे देखिए मैं अगर मार्क कर दिया तो इसका कल का RSI मैं आपको दिखाता हूँ, यानी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का RSI मैं आपको दिखाता हूँ, तो वह लगभग 73 का चल रहा था, ठीक है, 73 का चल रहा था, जो कि हम लोगों को तो सिर्फ 65 से मतलब है, लेकिन ये तो 73 का चल रहा था तो और भी अच्छी बात हो जाता है। और यदि आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई मार्क करके रखते और अलर्ट सेट करके रखते तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आइए। अब मैं बताता हूँ आपको एंट्री कैसे बनाना है। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि 9:15 यानी 20 तारीख के कैंडल है, ये 9:15 का बुलिश कैंडल है। एक मिनट मैं बताता हूँ, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये 9:15 का बुलिश कैंडल है। उससे पहले मैं ऑल टाइम हाई को मार्क करना भूल गया, मैं मार्क कर देता हूँ, तो ये रेड लाइन को मैं ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए मैं यहाँ कर दिया, ठीक है, 999 यानी 1000 रुपये का प्राइस मान लीजिए, ठीक है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आते हैं तो पता आपको चलेगा कि ये जो बुलिश कैंडल है, एक मिनट, ये 9:30 का बुलिश कैंडल है, ये जो 9:30 का बुलिश कैंडल है ये अपने ऑल टाइम हाई को काट दिया है, यानी क्रॉस करके क्लोज हो गया है। अब जब तक ये ऊपर भागेगा हम भागने देंगे और हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। आप देखेंगे कि दो कैंडल रिटेस्ट किया है, जो कि ये दोनों कैंडल आप देख रहे हैं, एक रेड कैंडल है एक ग्रीन कैंडल है, दोनों रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट पे हम लोगों को बाय नहीं करना है, दोबारा जब बुलिश कैंडल बनाएगा तब बाय करना है, जो कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये बुलिश कैंडल, इस कैंडल पे हम लोगों को बाय करना था। अब मान लिया जाए हम यहाँ पे बाय करते तो ये जो प्राइस है आपका वो निकल के आता है 1006 रुपये का, जो कि मैंने ब्लैक लाइन से मार्क किया है, 1006 रुपये का आपका वो रहेगा एंट्री प्राइस, और आपका इसी कैंडल का लो रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, इसी कैंडल का लो रहेगा आपका स्टॉप लॉस, और आप इसमें एंट्री बना लेंगे। एंट्री बनाने के बाद आप देखेंगे कितना शार्प मूवमेंट मिला है इस स्टॉक में, और आप यदि यहाँ से मार्क करने की कोशिश कीजिएगा प्राइस रेंज को तो पता चलेगा कि इसमें जो है लगभग 8% की तेजी हुई है इस स्टॉक में। देखिए एक दिन में 8% की तेजी, तो देखिए कितना शानदार मूवमेंट हम लोगों को मोमेंटम मिलता है इस स्टॉक में। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्टॉक आप देख रहे हैं अनंत राज को, मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे काफ़ी बढ़िया अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और नन स्टॉप तेजी हुआ है इस स्टॉक में। डेली टाइम फ्रेम पे आकर के देखेंगे तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमने इस कैंडल पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी डिस्कस किया था, और वहां से देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया मूवमेंट मिल चुका है, और अब तक देखेंगे तो लगभग 20% से ज़्यादा, यानी लगभग 25% की तेजी हो चुकी है इस स्टॉक में। खैर अब मैं बात करता हूँ
इंट्राडे ट्रेडिंग के व्यू से, तो देखिए मैं ये लाइन को मिटा देता हूँ। अब देखिए आज मतलब करंट ट्रेडिंग सेशन से पहले एक दिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ये जो छोटा सा कैंडल है आपको ऑल टाइम हाई में मिल रहा है और 65% से ज़्यादा का RSI भी आपको मिल रहा है, जो कि आप देखेंगे तो इसका RSI ऑलमोस्ट 70-75 से ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, 70-75 से ज़्यादा चल रहा था, तो आप क्या करते, इसको आप मार्क करके रख लेते हाई को, और जैसे ही हाई ब्रेक होता आपको अलर्ट मिलता तो आप रिटेस्ट का वेट करते और उसके बाद बाय कर लेते। अब चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर के देखते हैं। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है ये कैंडल ऑल टाइम हाई के पास ही खुला है, एग्जैक्ट पास खुला है, जो कि ऑल टाइम हाई अगर ठीक से मार्क करने की कोशिश करें तो देखिए कुछ इस तरह से ब्लैक लाइन हमने मार्क कर दिया, यानी ऑल टाइम हाई प्राइस पे ही ऊपर खुला है, उसी के ऊपर खुला है और काफ़ी बढ़िया ये ग्रीन कैंडल बनाया है। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनाया है, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन ये कोई रैली वाला कैंडल नहीं है और ना तो ये रिटेस्ट किया है, तो ऐसे में हम लोग कहाँ पर एंट्री बनाएंगे। तो देखिए आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये जो रेड लाइन के नीचे जो 2-3 कैंडल ये बनाया है, 3-4 कैंडल, ये एज ए कंसोलिडेशन फेज टाइप का कैंडल बनाया है। तो हम लोगों को जो एंट्री करना है, हम लोगों को करना है एंट्री इस कैंडल पे। ठीक है, ये कैंडल जो ऊपर ब्रेकआउट किया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इस कैंडल पे एंट्री बनाएंगे, इसी कैंडल का लो SL रहेगा और उसके बाद अपना स्टॉक में बने रहेंगे, वहां से देखेंगे इसमें कितना परसेंट की तेजी हुआ है, तो ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो देखेंगे कि 5% का तेजी हुआ है इस स्टॉक में, यानी इस स्टॉक में भी 5% की तेजी हुई है, और अगर और निचले लेवल तक की बात करें तब भी 3.5% से ज़्यादा की तेजी हुई है, तो आप यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में 3-4% का प्रॉफिट मिलना ये कोई छोटा बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है इंट्राडे में 3-4% की प्रॉफिट लेना। नेक्स्ट स्टॉक आप देख रहे हैं BSE को देख रहे हैं, और आपको पता चलेगा ये जो कैंडल है ये कैंडल ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, जो कि आप देखेंगे और देखेंगे कि ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है और साथ ही साथ मंथली टाइम फ्रेम पे यह स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था और अप ट्रेंड में ही ये कंसोलिडेशन कर रहा था। ठीक है, अप ट्रेंड में ही कंसोलिडेशन ये कर रहा था, और ये ऑल टाइम हाई को हम मार्क कर दें तो हमने ये रेड कैंडल से मार्क कर दिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे सीधे सीधे आकर के देखते हैं तो देखिए ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है और अप ट्रेंड में ही स्टॉक है। ठीक है, हम लोगों को इसके ऊपर मार्क करना था हाई को। ठीक है, हाई मार्क करना था और हमें वेट करना था, हाई का ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री लेना था, लेकिन आप देखेंगे कि अगले दिन 17 सितंबर के दिन इसमें रेड कैंडल बना है लेकिन हाई को ब्रेक किया है लेकिन आपको एंट्री नहीं मिला है। अब चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और मैं 17 सितंबर के दिन का कैंडल दिखाता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें एंट्री मिला है कि नहीं। तो चलिए 17 सितंबर के दिन हमने आ गया। अब 17 सितंबर के दिन देखिए ये ग्रीन कैंडल है 9:15 का। ठीक है, ये 9:15 का ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ब्रेक कर दिया है लेकिन आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन फेज में ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज में ब्रेक डाउन हो गया है तो यानी आपको यहाँ पे एंट्री मिला ही नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्री मिला ही नहीं तो जाहिर सी बात है आपको लॉस भी नहीं होगा, है ना, हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है तो हम 1-2 दिन और वेट करेंगे और नेक्स्ट कैंडल के हाई को फिर हम लोग मार्क करेंगे, जैसे हमने इसको मार्क कर दिया, हमने मार्क कर दिया, अब इसको ब्रेक करेगा तब हम बाय करेंगे, यानी 18 तारीख के दिन। अब 18 तारीख के दिन तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 18 तारीख को चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें एंट्री मिला कि नहीं। ठीक है, तो 18 तारीख को चलेते हैं। अब देखिए 18 तारीख में हम लोग आ गए, टाइम फ्रेम 9:15 पे देखेंगे कि ये 9:15 का कैंडल है जो कि काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए था, तो नहीं, हमें ये ब्लैक लाइन के ऊपर बाय करना चाहिए था। ठीक है, ओके, अब देखिए ब्लैक लाइन के ऊपर आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक, तो उसके नीचे यदि बुलिश कैंडल और पोल एंड फ्लैग बना रहा है, यानी बुलिश कैंडल के बाद ये ब्रेकआउट कर रहा है, यानी कि कल के जो हाई के नीचे खुल रहा है। ठीक है, कल के हाई के नीचे खुल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है और ऑल टाइम हाई के पास आकर के कंसोलिडेशन करता है और वहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है, तो ऐसे में हम लोग फिर रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे, हम लोग इसी कैंडल पे बाय कर लेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखिए वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है, कोई नॉर्मल इन्वेस्टिंग नहीं है कि यहाँ पे आप बच जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना दिमाग लगाना पड़ता है और 3-4 तरह से लॉजिक को समझना पड़ता है। ठीक है, तो जहां पे फर्स्ट ब्रेकआउट है वहां पे तो हम रिटेस्ट का वेट करते हैं, लेकिन ये ऑल टाइम हाई का तो फर्स्ट ब्रेकआउट है लेकिन उससे पहले ही प्राइस एक्शन बना दिया है। देखिए बुलिश कैंडल बनाया, फिर उसके बाद एक पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न बनाया और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट किया, तो आपको नेक्स्ट बुलिश कैंडल पे ही एंट्री ले लेना है। बाय द वे फिर भी आप यहां एंट्री नहीं लिए तो नेक्स्ट कैंडल आपको देखिए एक रेड कैंडल है, रिटेस्ट टाइप करके ये रेड कैंडल बना है, उसके बाद आप ग्रीन कैंडल बना है, तो इस ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। कोई बात नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस भी इंट्राडे में हिट होता ही है। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता, और यदि आप इस कैंडल पे बाय करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। ठीक है, जो कि अगर हम मार्क करेंगे तो पता चलेगा कि 6-7% की तेजी हुई है, 6-7% की तेजी हुई है, तो वहां से आपको 6-7% की प्रॉफिट मिल सकता था, बशर्ते आपको स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। और एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को मत छोड़िएगा नहीं तो आप वहां पे लॉस कर लेंगे। तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि जैसे मान लिया जाए ये ऑल टाइम हाई है, चलिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूं और इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं लाता हूं और उसके बाद फिर समझाता हूं। देखिए चलिए ऑल टाइम हाई का हमने मार्क कर लिया, मान लिया जाइए
मान लिया जाए ये ऑल टाइम हाई का मार्क किया है, और यदि इसके ऊपर गैप अप खुलता है, जैसे यहाँ पे गैप अप खुलता है तो वहाँ पे हमें अवॉइड करना है, जैसे कि ऐसे यहाँ पे ऐसे गैप अप खुलता है, बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है और ऑल टाइम हाई को टच नहीं करता है कैंडल, तो वहाँ पे उस स्टॉक को अवॉइड करना है, उसमें हम लोगों को ट्रेडिंग नहीं करना है। इस बात को भी आप नोट कीजिएगा, और हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं तो उसको बैक टेस्ट कीजिएगा, और साथ ही साथ आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट स्टॉक आप देख रहे हैं नावाको, और नावाको देखिए कि काफ़ी बढ़िया अप ट्रेंड में यह स्टॉक चल रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे यह स्टॉक चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने इस कैंडल पे डिस्कस किया था स्विंग ट्रेडिंग वाले सेशन में, और वहां से हम लोगों को 20-25% की तेजी मिली है। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है, तो ये जो रैली फेज का कैंडल है सही मायने में इस कैंडल को भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, इंट्राडे के लिए ये वाला कैंडल को भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई का कैंडल है। और बात करें RSI का, तो RSI भी आपको 65 से ऊपर दिखाई देगा, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 70 का RSI दिखा रहा है। ठीक है, 70 का RSI दिखा रहा है और कैंडल भी छोटा है, कैंडल भी एक बुलिश कैंडल है और छोटा कैंडल है, तो ऐसे में हम लोगों को ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए इंट्राडे के लिए। ठीक है, और वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे हाई को मार्क करेंगे। हाई को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करना चाहिए, जब भी ये ऊपर क्लोज दे तो नीचे से ऊपर की ओर क्लोज दे और उसके बाद कंसोलिडेशन करे या रिटेस्ट करे और उसके बाद बुलिश कैंडल बनाए, तभी हम उस स्टॉक में एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर सकते थे, इस कैंडल पे भी सेलेक्ट कर सकते थे और इस कैंडल पे भी सेलेक्ट कर सकते थे, जो कि भले ही एक रेड कैंडल आपको दिख रहा है लेकिन काफ़ी छोटा कैंडल है, तो जैसे ही नीचे से ऊपर ये ब्रेक करेगा काफ़ी तेज मोमेंटम होगा। जैसे कि मान लिया जाए ये ग्रीन कैंडल आपको जो है 17 सितंबर का है, तो 5 मिनट टाइम पे हम अब 17 सितंबर का कैंडल देखते हैं कि वहां पे क्या मोमेंटम हुआ था। तो चलिए 17 सितंबर के दिन हम आ गए, अब देखिए 17 सितंबर को आप देखेंगे कि 9:15 यानी फर्स्ट कैंडल ही आपको ब्रेकआउट कर दिया है, यानी 9:20 पे ये कैंडल क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे कि रिटेस्ट कर दिया है, जो कि ये नेक्स्ट कैंडल है, और उसके नेक्स्ट कैंडल देखेंगे कि एक बुलिश कैंडल बना दिया है, तो हमें इसी बुलिश कैंडल पे एंट्री बनाना था। और यहां पे यदि आप एंट्री बनाते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी बढ़िया मोमेंटम मिला और वहां से काफ़ी तेज रैली मिला है, जो कि अगर परसेंटेज मार्क करने की कोशिश करें तो देखिए अगर यहां से हम मार्क करें ऊपर तक का, जो कि ये आपका है 17 सितंबर 14:15 का कैंडल, यानी कि 9:50 यानी कि यहाँ तक गया है, यानी हाई आपका ये है और लो आपका ये है, तो हाई देखेंगे तो 15% तक की तेजी हुई है इस स्टॉक में। ठीक है, 15% तक की तेजी हुई है, तो आप सोचेंगे कि नहीं ये गलत है, तो बिल्कुल सही है, आप बस प्रैक्टिस कीजिए और इस सेटअप पे ट्रेड लेकर के देखिए, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, बाकायदा एक महीना आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितना इफेक्टिव और कितना स्ट्रांग स्ट्रेटेजी है, जिस पे आपको मंथ में 8-10 ट्रेड ही मिलेंगे, 8-10 ट्रेड यानी ओवरऑल 10 ट्रेड ही मिलेंगे, लेकिन आपका 10 में 8 से ज़्यादा यानी 8 से ज़्यादा ट्रेड आपके सुपर डुपर हिट जाएंगे। आप बात करेंगे कि सर आप अभी तक स्क्रीनर नहीं बताए कि कौन सा स्क्रीनर से हम लोग इस स्टॉक को फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट होता है या ऑल टाइम हाई पे जो स्टॉक चलता है, उसके लिए एक स्क्रीनर हमने बना रखा है, तो इस स्क्रीनर को ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे रखा हूं, लेकिन फिर भी मैं इस स्क्रीनर का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहां से आप स्क्रीनर ले लीजिएगा। और आपको वैसे स्टॉक को सिलेक्शन करना है जो 5% से कम की तेजी हुई हो, जो 5% से कम तेजी हुई है स्टॉक में और छोटा कैंडल बनाया है और RSI 60 के ऊपर चल रहा हो, ऐसे स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कीजिएगा और वहां पे आप देखेंगे कि आपका विनिंग रेट काफी हाई रहेगा और हो सकता है कि आपको ट्रेड कम मिले लेकिन इसमें शानदार विनिंग रेट मिलेगा। एक बात, दूसरा बात, टेलीग्राम चैनल हमारा है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप देखते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड एक दिन पहले ही, जैसे कि यदि कल सोमवार के दिन करना है ट्रेडिंग, तो रविवार को ही मैं 2-3 स्टॉक को सिलेक्शन कर लूंगा और वो 2-3 स्टॉक आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या मंगलवार को ट्रेडिंग करना है तो मैं मंडे को रात में ही उस स्टॉक को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से भी आप उस स्टॉक को देख सकते हैं कि हमने जो स्टॉक को सिलेक्शन किया है वह सही है कि गलत है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, तो जो भी हमारे मित्र हैं जो कि अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। जो भी व्यूअर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही लाइव ट्रेडिंग का भी सेशन आने वाला है जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोगों को लाइव करके मैं दिखाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग को भी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो भी दिखाऊंगा, BTH ST स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं और एक दिन पहले ही उस स्टॉक में कैसे पोजीशन बनाते हैं, कब पोजीशन बनाते हैं, वो भी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। बस थोड़ा सा मेरा दिन में छुट्टी नहीं चल रहा है तो इसलिए मैं वो शुरू नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है अब बहुत जल्द ही वो लाइव सेशन भी चलने वाला है।